नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर कोई इसको फेस कर रहा है और परेशानी से जूझ रहा है। इवन क्या आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी एक प्रॉब्लम है जो गाड़ी को स्टार्टिंग से लेकर रिलेटेड है। इवन आज मैं बात करने वाला हूँ बैटरी का इशू। हमारी गाड़ी के अंदर जो BS4 जब से नॉर्म्स चालू हुए हैं हमारी गाड़ी में, AHO और BS4 दोनों लागू हुए थे, उसके बाद से बैटरी के अंदर प्रॉब्लम आने लगी है कि बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। और बुलेट के अंदर एक इशू है कि या टॉपिक कह दो कि जब तक का बैटरी चार्ज है जब तक गाड़ी चलेगी, अगर बैटरी डाउन तो गाड़ी वहीं पे हाथी बन गई। ठीक है, तो इसी को लेकर हमारे पास एक है सुपर चार्जर बैटरी। देखिए गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। मैंने गाड़ी के अंदर यहाँ फिट कर रखा है बैटरी हमारी गाड़ी में काम करती है या नहीं, तो इसके लिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ। तो देखिए बहुत ही इजी और आसानी से ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। सुपर चार्जर बैटरी, इतनी छोटी सी बैटरी और गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या इसके पीछे कारण है, उसके टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पहले हम मैं दिखाता हूँ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देना है। फिलहाल मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाह रहा था कि मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किए थे। सबसे पहला सवाल कि मोनू सागर तुम यार कॉपी मत किया करो, अपना कुछ कंटेंट करो। इवन ये बात है सिमटेक की एक डिवाइस को लेके। मेरे पास एक भाई ने वीडियो बनाया था, हमारे रमी भाई ने, सीधी बात बोल देता हूँ मैं, रमी भाई ने एक वीडियो बनाया था सिमटेक की डिवाइस को लेके, और काफ़ी लोगों ने कहा कि यार कॉपी कर रखी। तो इधर आई बटन में ये इस वीडियो का लिंक आएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का जो मैंने कब बनाई थी, और देखना। और जो जिसने कमेंट करा था गांडू इंसान, तुम अपने आप को देखो पहले, कॉपी कर रहा तुम खुद गांडू हो, सीधी बात। और ये मेरा वीडियो देख लेना, वीडियो अगर अच्छा भी लगेगा तो बता देना, इसमें कमेंट कर देना उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल चीज़ की। तो यहाँ पर मेरे पास है चार्जर, ये 10 चार्जर हैं टोटल, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बिना बैटरी के स्टार्ट होते हैं। और इसको सबसे पहले रमी भाई ने बना के डाला था, तो मैंने उन्हीं के पास से मंगा रखे हैं 10। ये गिफ्ट करने वाला हूँ मैं आप जैसे लोगों के लिए, जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या किसी ऐसे कमेंट करते हैं, जो भी है अपनी राय हर किसी करते हैं। तो ये 10 ले रखे हैं और ये आप 10 लोगों को मिलेंगे। इसका मैंने 10 का आंकड़ा फिट कर रखा है कि पहला 10,000 लाइक पे एक मिलेगा, क्योंकि महंगी चीज़ है, फ्री में तो मैं भी नहीं दूंगा, सीधी बात है। तो ये 10,000 लाइक पे एक दिया जाएगा, जैसे ही 10-10 के आंकड़े बढ़ते जाएंगे ये हर एक आदमी को मिलता जाएगा। तो यही था, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बैटरी वाला कोई इशू नहीं था, ये फिलहाल एक फेक है। मैंने यहाँ नज़दीक से दिखाता हूँ, मैंने यहाँ फिट कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा नज़दीक से कि मैंने कौन सा चार्जर लगा रखा है। ये है इसका जो बना रखा है मेरे पास, जो ओरिजिनल गाड़ी का चार्जर है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इसको चार्जर बोल सकते हैं या RR यूनिट बोल सकते हैं, जो मैग्नेट से करंट लेके आता है और बैटरी तक पहुंचाता है, और उसके बाद हमारी पूरी वायरिंग में सप्लाई होती है करंट, वो RR यूनिट काम करती है। तो ये रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल है जो पीछे ब्लैक कलर में है, और ये जो बना रखी है ये अंदर से लाल कलर में कलर दिखता है। ठीक है, देखने में बिल्कुल सेम है, इजी, बिल्कुल इंस्टॉलिंग, क्लासिक, स्टैंडर्ड, थंडरबर्ड, 350 की जितनी भी गाड़ियां हैं सब में लगेगा बिल्कुल आसानी से। इसे आप अगर ख़रीदना भी चाहते हैं तो आप रमी भाई से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनसे बात करके उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करके ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर इसको आप फ्री में पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइक बनेगा और एक शेयर, और अपने दिल की बात कमेंट में लिखिए, गाली भी लिखनी है तो गाली भी लिखिए, पर कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ मैंने कहाँ फिट कर रखा है उसको। मैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वो लाल कलर की डिवाइस मैंने लगा रखी है, और बैटरी की तारें दोनों निकाल रखी हैं और इसको टेप कर दिया है, क्योंकि मेरे पास जो बैटरी थी ये इसमें डिजिटल वाटर पड़ता है और वो पूरा एसिड निकाल के यहाँ गंदा कर दिया है, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगी, मैंने क्यों ना चेंज कर दो। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एसिड जम रहा है, देखिए, तो मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, इसको निकालने के बाद देखिए मैंने सिर्फ चार्जर चेंज करा है और बिल्कुल क्लब इजी टू इंस्टॉल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 10 रुपये कोई भी मैकेनिक लेकर आपका चेंज कर सकता है, या आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए गाड़ी 1 किक स्टार्ट है, या तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी हार्ड या किक नहीं पड़ती या काम नहीं करता, तो मेरी ऐसे बिल्कुल A1 क्लास है मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रही।
मैं काफ़ी दिन से परेशान था कि बैटरी डाउन होती तो मेरी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। इवन क्या जो जाड़ों का टाइम होता है, जाड़ों के ठंडों के टाइम में गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि बैटरी के अंदर एसिड पड़ता है और वो ठंडों में बैठ जाता है प्लेटों के नीचे, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो किक से स्टार्ट करने के लिए मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और अभी तक आपने सिमटेक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार देखिए, यह हैजार्ड फ्लैशर होता है एक तरीके का, और वो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह इस वीडियो का लिंक मिलेगा और इसको आप खरीद भी सकते हैं। एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोवाइड होगा आपको, वो वीडियो में है, आप उसका वीडियो देखिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।